वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां सिर्फ 11 प्लेयर्स ही नहीं खेलते बल्कि पूरा देश खेल रहा होता है। ये टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो क्रिकेट फैंस नहीं भी है उनको भी अपना दीवाना बना देता है और हर कोई मैच के स्कोर से लेकर टीम प्लेयर्स तक की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता है। इस साल हालांकि भारत का ये सपना टूट गया पर टूटे हुए सपने से एक बेहतर भविष्य जोड़ना जानती है हमारी टीम इंडिया। इस साल की प्रबल दावेदार भारतीय टीम का सपना भले ही पूरा नहीं हुआ पर उनके प्रदर्शन को हर एक देशवासी याद रखेगा उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को। इन सब के अलावा आज हम बात करेंगे कि इस वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल क्या है, इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री क्या है। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि इन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलते हैं, किस देश ने वर्ल्ड कप जीता है और ऐसी कौन सी टीम है जो बार बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस वर्ल्ड कप को ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कंडक्ट करवाता है। ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार होता है। ये कई तरीकों से पैसा कमाता है, वही इनकी आय का मेन सोर्स होता है। ये अपने टूर्नामेंट राइट्स को मीडिया और टीवी चैनल को बेच देते हैं जिससे इनको अच्छी खासी इनकम होती है। इसके अलावा जो टूर्नामेंट के टिकट्स बिकते हैं वो भी इनकी इनकम का सोर्स होते हैं और स्पॉन्सरशिप से भी इनको इनकम होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनके इनकम का सोर्स जिसे ICC टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने और प्लेयर्स को पे करने में यूज करती है। आप सोच रहे होंगे कि एक एक प्लेयर को कितने रुपए मिलते होंगे, तो इसको जानने से पहले हम आपको ICC वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर हम इस ICC वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बात करें तो ICC वन डे वर्ल्ड कप पहली बार 1975 में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। तब से लेकर आज तक यानी 2023 तक टोटल 13 बार ICC वन डे वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ है। 1975 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल हुआ था। इस 1975 वाले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने बाजी मारी थी, ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका शामिल थे। अगर हम भारत की बात करें तो इस टूर्नामेंट में भारत बुरी तरह से हारा था और ग्रुप चरण से बाहर हो गया था। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन टर्नन को सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का खिताब मिला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गैरी गिलमर को सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब मिला। इन्होंने 11 विकेट लेकर इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये थी 1975 के वर्ल्ड कप की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जरूर पसंद आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं कि प्लेयर्स को कितने पैसे मिलते हैं। ये एक अहम सवाल है क्योंकि सभी प्लेयर्स जिस तरह का एफर्ट लगाते हैं वो काबिले तारीफ होता है। तो आपको बता दें इस टूर्नामेंट में सभी प्लेयर्स को ICC पैसा देती है, वो भी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। यानी जो अच्छा खेलता है उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और जो ठीक ठाक खेलता है उसको ठीक ठाक ही पैसे मिलते हैं। इस 2023 के टूर्नामेंट में विजेता टीम यानी ऑस्ट्रेलिया को 33.31 करोड़ रुपए मिले और उपविजेता टीम यानी इंडिया को 16.65 करोड़ रुपए मिले। अब आपको बता दें कि 1975 से 2023 तक कौन सी टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने देश के नाम किया, तो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि आपको बताया पहला टूर्नामेंट 1975 में हुआ और वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद ये टूर्नामेंट 1975 में ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एक बार फिर से वेस्ट इंडीज ने बाजी मारी थी। इसके बाद 1983 में ICC वन डे वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें हमारे भारत ने जीत का परचम लहराया और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस साल पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। फिर 1987 में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया जहां इस साल विजेता रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत का परचम लहराया और खिताब अपने नाम कर लिया। और अब बारी आई हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जब 1992 में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया तो पाकिस्तान ने बाजी मारी। 1996 के ICC वन डे वर्ल्ड कप में श्रीलंका का दबदबा देखा गया जब उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इसके बाद लगातार 3 साल तक यानी 1999, 2003, 2007 ऐसे टूर्नामेंट रहे जहां ऑस्ट्रेलिया ने सबको ये बता दिया कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं क्योंकि ये तीनों वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते, लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इनके रिकॉर्ड को हमारे देश भारत ने चूर चूर कर दिया 2011 के वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करके। इसके बाद 2015 में ICC वन डे वर्ल्ड कप में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने अपना कब्जा किया वर्ल्ड कप पर और 2019 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बाजी मारी और 2023 जो हर किसी को पता ही है कि जीत के लिए प्रबल दावेदार माने जाने वाली टीम भारत को हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। इस तरह से 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम करके वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया और 2 बार भारत ने, 2 बार वेस्ट इंडीज ने और 1-1 बार इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका ने यह खिताब जीता है। दोस्तों इस बार के वर्ल्ड कप में भारत भले ही हार गया हो पर उन्होंने जो पूरे विश्व का दिल जीता है वो काबिले तारीफ है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बिना एक भी मैच हारे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा लक हमारे साथ ना होने की वजह से हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना जरूर टूटा है पर उम्मीद अभी भी बरकरार है।
हमारी टीम इंडिया ने जो इतिहास रचा है वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा और अगले वर्ल्ड कप पर रोहित शर्मा और सभी खिलाड़ियों के आंसुओं का हिसाब तो जरूर होगा। इस वर्ल्ड कप में हमें जीत भले ही नहीं मिली पर हमारे विराट कोहली ने जिस तरह परफॉर्म किया, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए, वो पूरी दुनिया के लिए सबक है कि कमजोर हम नहीं, हमारा दिन था। वरना वर्ल्ड कप जीतने का दम किसमें कम था। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है पर अपना दबदबा बनाना सबके बस की बात नहीं। कोहली के रिकॉर्ड पर एक नजर डालना तो बनता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कोहली आखिर क्यों है किंग कोहली। विराट कोहली ने 11 पारियों में 765 रन जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अब तक 111 टेस्ट मैच और 275 वनडे खेले हैं, जिनमें इन्होंने 8676 रन और 12898 रन बनाए हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने थे। इस 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब अपने नाम किया। इतना ही नहीं, गोल्डन बैट भी कोहली के नाम हुआ। अगर हम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी की बात करें तो ये खिताब ही हमारे किंग कोहली के नाम हुआ। कोहली के साथ साथ दो अहम खिलाड़ी को भी हमें जरूर याद करना चाहिए, एक हमारे हिटमैन यानी कप्तान रोहित शर्मा और दूसरे इस टूर्नामेंट के सफल बॉलर मोहम्मद शमी। भारत को लगातार मैच जिताने में इनकी अहम भूमिका रही। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हमारे रोहित शर्मा के नाम हुआ और एक मैच में 7 विकेट लेकर बेस्ट बॉलिंग का खिताब जीता मोहम्मद शमी ने। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ICC वनडे वर्ल्ड कप की, जहां हमने लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि इस टूर्नामेंट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था जिसने आपके दिल में जगह बनाई। ये वर्ल्ड कप बहुत ही बेहतरीन यादें हमें दे गया और ऑब्वियसली कुछ दर्द भरे पल भी, जिसे हर भारतीय ने फील किया। हमारी शुभकामनाएं टीम इंडिया के साथ थी और हमेशा रहेंगी। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।